जम्मू बनने जा रहा है चंडीगढ़, और अगर मैं बात करूं जम्मू बनने जा रहा है चंडीगढ़, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं इस वीडियो के एंड तक आप जरूर जान जाएंगे। हाल ही में यूटी की तरफ से एक ऐलान हुआ कि 13 डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे ट्रैफिक कैमरास लगाए जाएंगे, जिनको ई कैमरास भी कह सकते हैं, जहाँ से ई चलान आपके घर तक आएगा वहाँ। आज मैं एक ऐसे ही पॉइंट पे हूँ जो कि शकुंतला चौक है, मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे कैमरा, और ये जो ई कैमरास है ये इनके बीच में अगर आप आ जाते हैं, इनमें पकड़े जाते हैं। और सबसे पहले लोगों को है कि पकड़े कैसे जाते हैं, अगर आप देखेंगे यहाँ तीनों पॉइंट जो भी सड़क को इंटरसेक्ट करते हैं तीनों तरफ कैमरास इसी तरह इंस्टॉल किए गए हैं, चाहे मेरे दाएं वाली तरफ देखें और चाहे अगर आप मेरी तरफ आगे की तरफ जाके बाएं वाली तरफ देखें, तीनों तरफ ये कैमरास इंस्टॉल है और ये ऑटोमेटिक सिस्टम पे चलते हैं। इनका एक अपना कोडिंग है, अपनी ही एक मशीन लर्निंग प्रोसेस से ये चलते हैं, तो इससे जो है ई चलान आपके घर तक आएगा। हाल ही में देखा गया कि आपको बताया गया बड़ी जगह ट्रैफिक्स के भी सेमिनार हुए, ट्रैफिक चलान से कैसे बचा जाए, चाहे कि कॉलेजेस हो चाहे ऑडिटोरियम्स हो, उसमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग की भी वैल्यू बताई गई कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग का क्या वैल्यू है, आप कैसे क्रॉस करते हैं तो क्या होता है। जबकि यहाँ पे देखा जाए आरबीआई चौक पे देखा जाए, जानीपुर चौक पे देखा जाए, रॉन्ग साइड से गाड़ियों का आना जाना बड़ा है, जो कि पेट्रोल भराने गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं। तो आने वाले टाइम में इन गाड़ियों को भी चलान होगा, ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जो यहाँ से लोग क्रॉसिंग करते हैं बड़ी बार वक्त बचाने के लिए ऊपर वाले चौक से नहीं आते लेकिन नीचे वाले चौक से आते हैं कि वक्त उनका बच जाए। और यहाँ पर अननेसेसरी, और अब जो मेटाडोर्स यहाँ पे रुक रही हैं, क्या मेटाडोर्स यहाँ पे रुक पाएंगी या नहीं रुक पाएंगी, ट्रैफिक के चलते नियम इनको भी चलान दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, इन चलानों की बात की जाए, इन चलानों की एक ही बात है कि ये जो है नॉन निगोशिएबल होंगे। नॉन निगोशिएबल का मतलब कि किसी की भी वाकफियत दिला के आप अपना चलान नहीं कैंसिल करवा सकते। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर बनने जा रहा है चंडीगढ़, क्योंकि चंडीगढ़ ही एक हद तक ऐसी स्टेट थी जहाँ पे होम मिनिस्टर तक को चलान हुआ है। तो ये अब आप जम्मू कश्मीर में देखते हैं कि जो बाबू है अफसर शाही है उनको भी चलान होंगे, ये लिमिटेड लोगों पे ही लगेंगे। आपका क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें कि इस तरह की ई चलान कितने ज़रूरी हैं जम्मू कश्मीर में, आपकी क्या राय है, अपनी वैल्यूएबल राय इस कमेंट बॉक्स में रखें। हाल ही में देखा गया कि काफ़ी ज़्यादा जो नए नए किस्म के यूटी के लॉज हैं वो जम्मू कश्मीर में लाए जा रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है कि यूटी बनने से कितना जम्मू कश्मीर को फ़ायदा हो रहा है, अब वो आप ही जान सकते हैं, आप ही अपनी कमेंट करके बता सकते हैं। अभी फ़िलहाल जितनी भी जो तेज़ तरार और ताज़ा खबरें हैं उसके साथ बने रहने के लिए हमारे पेज को आप ज़रूर फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। मैं शुभम कोतवाल, आप देख रहे हैं पहले जनता न्यूज़ नेटवर्क। जय हिंद।